हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बिहार मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस के थर्ड राउंड के फॉर्म ऑनलाइन कैसे आपको करना है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो देखेंगे। कौन कौन से बच्चे को न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनका मैं लॉगिन करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, तो आपको देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो आ रहा है जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको क्या करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। जो बच्चे एग्जिट हो गए थे या जो सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे वो बच्चे क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा करेंगे, तभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। सेकेंड राउंड में जिन बच्चे का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया गया था वो बच्चे फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। जो बच्चे फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाए थे वो फिर से फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और एग्जाम सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। उसको जैसे ही इंटर करेंगे ना, सारा डिटेल जो है देखिए बच्चों, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिएगा। प्राइवेट कॉलेज की अगर कटअप की बात करें तो सबसे कम कटअप जो है ना वो RDGM कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर में है, उसका 170 के प्लस 170 के आसपास जो है वो गया है। ठीक है, 150-60 वाले बच्चे को एडमिशन जो है वो थर्ड राउंड में मिल सकता है, नहीं तो आपको वैकेंसी मॉपअप राउंड में जाना होगा। जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद आपका सारा डिटेल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, पासवर्ड शेयर करने के बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आधार नंबर पासवर्ड वगैरह सेट कर लिया है, साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार आपको अपना सारा डिटेल जो है वो मिला लेना है, उसके बाद आपको कंफर्म करके साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन के ऑप्शन का मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको ईमेल आईडी या जो पासवर्ड सेट किया है उससे आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करके दिखाता हूँ। बच्चों, सिक्योरिटी डिपॉजिट प्राइवेट MBBS कॉलेज के लिए 2 लाख है, वो आपको ऑनलाइन करना है। आज लास्ट डेट है, अगर आज नहीं करते हैं तो थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हो सके तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं मिले आपको। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि 610 नंबर वाले को सेकेंड राउंड तक BC कैटेगरी गर्ल्स को MBBS कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, क्योंकि सेकेंड राउंड का कट ऑफ और हाई हो गया था। प्राइवेट कॉलेज जो है वो 150-60 वाले बच्चे को मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद देन साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी डिटेल है उसको फिलअप करना होगा आपको। ठीक है, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है वो पूछा जाएगा कि आप किस कॉलेज के लिए या आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो मेंशन करनी होगी। ठीक है, मैं पहले कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको कंफर्म कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे है आपको किस कॉलेज के लिए, प्राइवेट डेंटल के लिए, प्राइवेट MBBS के लिए, तो आपको उस तरीके से जो है वो सेलेक्ट करना होगा। उसी तरीके से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी जमा करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 500 और 10,000 के रेशियो में है, 5,000 और 10,000 के रेशियो में है। अप्लीकेशन फॉर्म जो है जनरल EWS OBC के लिए 1200 है ना, अदर कैटेगरी SC ST डिसेबल कोटा के लिए 600 है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अपियरिंग जो है डिस्ट्रिक्ट जो आपका है उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस जो है वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है बच्चों। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर जो है हिंदी इंग्लिश अपलोड करना है। अगर आप सही से साइज सेलेक्ट नहीं करेंगे, सही से फ़ोटो सिग्नेचर का साइज नहीं रखेंगे, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन जो नहीं होगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। देखिए, 10th का डिटेल आपको सिंपली भर लेना है। 12th के डिटेल के लिए बस आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर को 100 में कैलकुलेट करके डालना है। परसेंटेज जो होगा वो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे को काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, चॉइस फिलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए। बच्चों, आपको एक चीज़ से बच के रहना है कि अगर कोई भी काउंसलर या कोई भी दलाल आपसे 10 लाख 15 लाख लेकर के एडमिशन दिलाने की बात कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं और आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। ठीक है, जैसे ही 12th का कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको कौन से बोर्ड का कॉलेज है वो सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर, पासिंग स्टेटस पास, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा।
ठीक है। पासिंग ईयर के बाद आपको पासिंग जो परसेंटेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए पासिंग परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट दिए गए ना, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसको आपको 100 में कैलकुलेट करना है, ठीक है। 100 में आपको कितना आया है, जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे और परसेंटेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस बच्चे को इंग्लिश में जो है वो 100 में आया है 34 नंबर, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में 66 नंबर है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में इसका 49 नंबर है, और बायो की हम बात करें तो बायो में इस बच्चे का जो है वो 62 नंबर है। देख सकते हैं ऑटोमेटिक 52.75 परसेंटेज जो है कैलकुलेट हो गया। देन आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना है, एक बार एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो अभी सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाद में अब सुधार करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि एक दिन का मौका मिलता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद भी आप बोर्ड ऑफिस जाकर सुधार कर सकते हैं। देन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और 1200 के साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। अगर आप प्राइवेट को चूज़ करते हैं तो आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और गवर्नमेंट के लिए आपको 5000 और 10000 की रेशियो में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके पार्ट ए और पार्ट बी जो कंफर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म ऑनलाइन के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जो बच्चे को कॉलेज नहीं मिला है वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगा। सबसे बेसिक पॉइंट जो है चॉइस फिलिंग, अगर रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो कॉलेजेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। किन्हीं को कोई डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स।